दिल्ली उड़िया। इंग्लिश का यार मेरी समझ में, तुम्हारे यार इंग्लिश का तो मुझे टाइम दे दो। अरे दादा बात, तू अकेला है ना, एक दो बंदे और होते तो यार बंदा पैसा अपना बराबर कर लेता है। पैसे की सेटिंग हो जाती है बंदी की, सही कह रहे हो। पैसे नहीं लूंगा तो तुमसे तो ले लूंगा। तुम वैसे इंग्लिश अच्छी कर सकते हो मेरी, अगर मैं तुम्हारे क्या किसी की, क्योंकि ऐसे से वर्ब हैं, ऐसे से वर्ब हैं कि जो आम बंदे को बताए तो वो परेशान हो जाए। अच्छा ये वर्ब क्या होता है? वर्ब माने जो लिखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अल्फाज। अच्छा अल्फाज वर्ड, तुम वर्ब भी तो कह रहे हो ना, वर्ब वर्ब वर्ब। अच्छा VRVREV वर्ब उर्दू में कहते हैं अलिफ लाम फा वा अल्फाज। अच्छा और इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में कैसे वर्ब बोलते हैं? वर्ब स्पेलिंग क्या? VREV VREV वर्ब। वर्ब का वर्ब का मतलब है अल्फाज। ये जो लिखा ये क्या, ये वर्ब तुमने क्या लिखा? ठीक है, उर्दू बोलते हैं अल्फाज, तुमने क्या लिखा है समझ नहीं आई। इन्हें बोलते हैं वर्ब क्या लिखा तुमने, वर्ब क्या लिखा है तुमने, ये चीज़ वर्ब। ये काम तुम कैसा कर रहे हो, ये वर्ब तू कैसा कर रहे हैं, ये वर्क आ जाता है, वर्क आ जाता है इंग्लिश में, डब्ल्यू लग जाता है। कहीं ऐसे लफ्ज होते हैं जो साकिन शुरू की आवाज में निकालते हैं, जो पढ़ने में नहीं आते। अच्छा मैं परसों वहाँ गया था सदर, इसको कैसे बोले इंग्लिश में, मैं परसों सदर गया था। परसों यानी कि जो गुजर गया, परसों पास में आ गया, पास में आ गया। आई वाज गो टू सदर। आई का माने मैं। अच्छा पहले तो तेरे को मैं ये समझाऊंगा कि मैं को क्या बोलते हैं, अपने आप को क्या बोलेगा, आई बोलेगा, सही है, आई कहाँ लगेगा, फिर माय कहाँ लगेगा, ठीक है, एम वाई माय, ये मेरी चीज है, माय पर्सनल अपोर्टेड चीज बोल सकता है, माय पर्सनल अपोर्टेड चीज। अच्छा ये अपोर्टेड क्या है, इन्हें खास, ठीक है, माय पर्सनल बोल दे तब भी समझ लेते हैं लोग कि मेरी पर्सनल बात है, या तू कौन होता, मेरी अपनी जाति पर्सनल बात है। अपोर्टेड अपोर्टेड भी बोल सकते हैं, अपोर्टेड माने खास। अच्छा मैं पर्सनल बोलते हैं वो भी खास है, पर्सनल भी खास हो गया, अपोर्टेड भी खास हो गया। अच्छा। देख दो है, ब्रिटिश और अमेरिकन। ब्रिटिश देख अमेरिकन बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, मगर ब्रिटिश जब बोलते हैं व्हाट इज नेम, वो लोग खुल के बोलते हैं व्हाट इज नेम, व्हाट इज नेम, बिल्कुल आराम से तसल्ली से बोलेंगे। अच्छा अच्छा जिसको हम कहते हैं लोरी नाच से बोलते हैं, लोरी ना, हाँ तो अमेरिका भी सॉन्ग, हाँ ठीक है, कभी मूवियाँ देख लें, अमेरिकन मूवीज देख कर तो मैं कैसे देखूंगा, मेरी समझ में नहीं आती है यार, समझ नहीं, बट जब बोल लोगे तो वहाँ नोट करता जाएगा। पहले देख ग्रामर के पहले 12 टेंसेस होते हैं। अच्छा ठीक है, वो टेंसेस पढ़ाए जाते हैं पहले, वो 12 टेंसेस कंप्लीट जब हो जाते हैं उसमें सब बंदे समझ आ जाते हैं। तो 12 पहला कौन सा होता है, पहला टेंस जो होता है ना, पहला टेंस वो होता ही प्रेजेंट का, प्रेजेंट का टेंस होता है। अच्छा पहले का जुमला कैसे बनाएंगे, वो खाना खाती है, शी ईट कुक फूड नहीं होगा, पकाने का कहते हैं ना, वो तो कुक को पकाने का कहते हैं। अच्छा वो खाना खाती है, अच्छा वो खाना पकाती है, वो खाना पकाती है, शी ईट कुकिंग She eats cooking, वो खाना पकाती है। She eats cooking. ES का इजाफा हो जाता है। प्रेजेंट में जो है ना ES का इजाफा। अच्छा मैं कल इस्लामाबाद जाऊंगा। वो आएगा सी यू टुमारो इस्लामाबाद। कल है ना? या आई विल टुमारो इस्लामाबाद। तुमसे तो सीख लेनी चाहिए यार। ठीक है। आई विल भी लगा सकते हैं। सी यू टुमारो भी कह सकते हैं। टुमारो माने अगला दिन। मैं कल इस्लामाबाद जाऊंगा, सी यू टुमारो। इस्लामाबाद तो नहीं आ रहा इसमें, इस्लामाबाद आ गया ना आखिर में। अच्छा यूँ लगा रहे हैं आई विल इस्लामाबाद। मैं कल इस्लामाबाद जाऊंगा। अच्छा आसान जी, आई विल इस्लामाबाद। अच्छा जो पढ़ा लिखा होगा कल जाएगा, ये कल माने आते शैल विल, ये होता है कल, ये मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल के लिए, ठीक है। वो खाना पका सकता है, ठीक है, he can eat food, इसका क्या मतलब है, सकता शक्ति। अच्छा ये जब भी आएगा ना कहीं भी गुफ्तगू में, सबसे पहले तो ये सीख कि गुफ्तगू, देखो इसलिए कहते हैं पढ़ा लिखा जब बोलता है उसकी बात ही अलग होती,
अनपढ़ जल्दी जल्दी बोल देगा, मेरी तरह बोलेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ ना। बड़ा लिखा होता है वो कायदे कानून जानता है कि मैंने सत्ता सत्ता लगाया, सत्ता शक्ति ये जान लगे वहाँ कैन आ जाएगा, ठीक है, वो काम नहीं कर सकता, आई कांट आ जाएगा या ही कांट आ जाएगा, ही कांट वर्क डू कम्प्लीट, ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो कर सकता है तो ही कांट वर्क कम्प्लीट, ही कांट वर्क कम्प्लीट, ठीक है, ये कर सकता है। अच्छा, तो मेन चीज जो होती है ना, मेन चीज ये है 12 टेंसेस। इन 12 टेंसेस में तीन ही हालों के बारे में आते हैं, पास्ट, शादी हॉल के बारे में। 12 टेंस, अच्छा 12 टेंस। पहला जो टेंस आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा पास्ट के बारे में, ठीक है। अच्छा। दूसरा प्रेजेंट, वो खाना बना सकती है, इसका क्या बन, कैसे तुमने वो खाना बना सकती है, शी कांट ईट कुकिंग, शी कांट ईट कुकिंग, ठीक है, वो खाना बना सकती है, शी कांट ईट कुकिंग, वो खाना नहीं बना सकती, शी कांट आ जाएगा बस, ईट कुकिंग, यानी सी ए एन कान आ गया, आगे एच डाल के टी डाल दे कांट बन जाएगा, यानी इनकारिया जुमला बन जाएगा, ये टी डाल के इनकारिया जुमला बन जाएगा। अरे जुमला और कोई जुमले बनाओ एक दो, तेरी भी ताकि समझ में आ जाए। उर्दू तू बताना मुझे, किस तरह को पूछे तो मैं तुझे बता, मैं पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, मैं नया पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, चाहता हूँ इसमें शुड आएगा, शुड, आई शुड न्यू पाकिस्तान कंप्लीट, आई शुड न्यू पाकिस्तान कंप्लीट, ये कितना तुमने अच्छा एक बुक किया ना, चाहता चाहती चाहता, ये जो चेचे आता है ना इसमें शुड आ जाता है, शुड आ जाता है, तो वो काम करना चाहिए, शुड वर्क कम्प्लीट, ठीक है, शुड वर्क कम्प्लीट। ये अब ये जो मैंने बोला ये भाई बर्क की गुफ्तगु आ गई। अच्छा, मैं नया पाकिस्तान नहीं बनाना चाहता, ठीक है, शुडंट आ जाएगा, कैसे बनाएंगे, मैं ना आई शुडंट कंप्लीट पाकिस्तान, आई शुडंट कंप्लीट पाकिस्तान, मैं नहीं बनाऊंगा। अच्छा, मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा कल, मैं समय आई डोंट इस्लामाबाद, आई डोंट इस्लामाबाद, मैं नहीं जाऊंगा, इसमें बिल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपसे सवाल ही पूछा जा रहा है ना, जवाब तो नहीं मांग रहे ना, सही बात है। कल तुम इस्लामाबाद जाओगे, आई डोंट इस्लामाबाद, आई डोंट, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे इंग्लिश में बाद में मैं ये याद करता हूँ, कोई मसला नहीं है ना, बताता था बच्चों को, क्यों नहीं, तुम्हें बता दूँ ताकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मैं घर जाके ना, हाँ ताकि मैं घर जाके ये सब याद कर सकूँ, फिर मैं रिवाइज करता हूँ रात को बैठ के, तुम्हारी बातें ना, ये दो दोस्त और पकड़ ले, दो दोस्त, ये है कि मेरा एक आने जाने का किराया हो जाएगा, सही है, सारी बात है, तेरे वहीं आऊंगा ना यार, हाँ मेरे पास तो कोई ऐसी, हाँ अगर हम लोग सब तुम्हें 2,000 रुपए दे दें, पांच बंदे मिल गए तो तुम्हारी अच्छे पैसे, मैं 10,000 अपना कमाऊंगा, सब तुम्हें पढ़ा दे सकता हूँ, ठीक है, कल रात को किसी में वो पेपर का मसला हुआ तो वो भी अल्लाह का शुक्र, देखो हर एक चीज का तरीका होता है। मेरे एक दोस्त का एक काम आया था, बड़ा परेशान था बेटा आसमान भाई, मेरा यार इंटर में मसला हो गया, मैंने इंटर में क्या मसला हो गया, उसका एज का मसला हो गया, अच्छा नाम का और एज का दो मसले थे, एक तो उसकी एज बहुत ज्यादा निकली गई, दूसरा उसके नाम के आगे मोहम्मद नहीं लगाया, अच्छा ठीक है, बकाया मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया, जब सारे डॉक्यूमेंट सारे कागज लेके आया, हाँ। मैंने चेक किया सारों में नाम भी सही है, वल्दियत भी सही है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी सही है, जब सारा चेक करने के बाद मैंने पता किया तो मैंने बोला कोई काम मुश्किल नहीं है, सीधा इंटर बोर्ड ऑफिस जा, इंटर बोर्ड ऑफिस जाओ सीधे, और सारे अपने फाइल बना फोटो कापी, ठीक है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट भी दे रहा हो, ठीक है, इसमें तेरा प्राइमरी का GR, प्राइमरी मिडिल, मिडिल का GR, अच्छा 9-10 के मार्कशीट सही है, और 10 की सनद तेरी, अच्छा। और एडमिट कार्ड की फोटो कापी तो वो भी ले जा, NSC की कॉपी भी ले जा, और ओरिजिनल भी ये सब ले जा, तुमने उसका मतलब हल कर दिया नहीं क्या। अच्छा एक जुमला मेरे रहन में आ रहा है ये कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम यू आ गए, हाँ यू आ गया यहाँ पे, हु दिस, हु आर दिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों बैठे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, हु दिस, हु दिस, क्यों बैठे हो, अच्छा कोई यहाँ कोई बैठा होगा हम उससे आगे पूछेंगे तुम यहाँ क्यों बैठे हो, बोले हु दिस, हु एनी प्रॉब्लम, हु एनी प्रॉब्लम, हाँ हु एनी प्रॉब्लम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम, यहाँ तुम क्यों बैठे हो, हु एनी प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ उर्दू में अल्फाज ऐसे हैं कि जो बहुत लंबे हो जाते हैं, जैसे तुमने तुम यहाँ क्यों बैठे हो, अंग्रेजी बन जाएगा हु दिस, हु दिस, हु एनी प्रॉब्लम, ठीक है, और जो समझदार होगा पढ़ा लिखा होगा
वो समझ गया भाई कि मुझसे पूछ रहा है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या तेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है। अब पाकिस्तानी अगर उर्दू में बोलेगा अबे तू यहाँ क्यों बैठा, अबे का कोई मायने ही नहीं है अबे के कोई मायने। अगर मेरे जैसा कोई बंदा बैठा होगा तो अंग्रेज आके बोलेगा हू दिस, तो मैं बोलूंगा हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं नहीं गुड मॉर्निंग, नो प्रॉब्लम। तो मुझे तो इंग्लिश नहीं आती ना, ये दो ही इंग्लिश आती है। एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बोलूं। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फ्रेंड, अपने दोस्त का इंतजार करूं। तो इंग्लिश तो नहीं आती ना, फिर क्या बोलूंगा। मगर एक आम बंदा तो मैं तो उसको ही बोलूंगा हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं नहीं, अगर एक आम बंदा बैठा तो किसी ने फोन नहीं, एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, यू प्रॉब्लम, तुम्हें प्रॉब्लम है कोई, बोलेगा नहीं आई नो आई डोंट। अच्छा बाय वर्क भी बातें होती हैं। अच्छा बाय वर्क कहते हैं जो डायरेक्ट गुफ्तगू का होना, जिसमें यू नहीं लगेगा, ही नहीं लगेगा, शी नहीं लगेगा। जैसे कि पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, तुम पानी क्यों पीते हो? नहीं ये नहीं, ऐसा जुमला है ऐसी, तुम पानी क्यों पीते हो? यू ड्रिंक वाटर, ठीक है। हाँ यू ड्रिंक वाटर क्यों पीते हो, ठीक है। और तुम पानी पीते हो? पानी पीते हैं, हाँ ठीक है। अब ये डायरेक्ट बातें आ रही हैं। हाँ तुम पानी पीते हो? ड्रिंक इज वाटर, पानी पिया जाता है।